नमो छात्रा स्वागतमस्तु। स्टूडेंट्स, तो ये लेसन मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था। ये लेसन के थ्रू अभी आपको ये सारे नंबर्स आपको 1 to 50 नंबर्स आपको याद रखना है। ये लेसन का ट्रांसलेशन भी आपको याद करना है। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे ये जो नंबर्स है, आपको संस्कृत में कोई नंबर्स दिया जाता है उस नंबर को इजिली कैसे लिख पाओगे आप, ये लिखना बहुत ही जरूरी है। और आज हम देखेंगे ये लेसन की एक्सरसाइजेस। तो लेसन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा जो 15 सेकेंड हो साइलेंटली बैठेंगे। सो जॉइन योर हैंड्स एंड सिट क्वाइटली फॉर द 15 सेकेंड्स। एक लंबी सांस लो स्टूडेंट्स। ओम शांति फ्रेंड्स। तो स्टूडेंट्स, आपको ये साइलेंट प्लेस ले बैठना है, क्योंकि इसके इससे आपकी जो एकाग्रता है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस लेवल काफी बढ़ता है, एकाग्रता भी काफी बढ़ती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 7, लेसन नंबर 6 है संख्या, स्टैंडर्ड 7। संख्या का मतलब होता है नंबर्स। इट्स कॉल्ड नॉट संख्या, इट्स कॉल्ड संख्या, स अंख्या, ओके, संख्या। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप एक बात ये ध्यान रखो, 1 to 50 नंबर्स आपको समझ में आ गए, 1 से 50 संस्कृत वर्ड्स और संस्कृत नंबर्स दोनों। आप इंग्लिश में क्या करते हो, जैसे कि 1 to 20 नंबर्स आपको याद है, इसके बाद आप नंबर ये लिखते हो 21। जैसे आप ऐसे ही लिखते हो बराबर, इसमें 20 का स्पेलिंग आप याद रखते हो और यहाँ पे लिखते हो 1। ओके, तो इजिली एग्जैक्टली हमें भी संस्कृत में ऐसा ही करना है। आपको ये नंबर आप याद रखोगे बराबर, 10 नंबर मीन्स 10, विसंधि बराबर मीन्स 20, त्रिशंध 30, चतवारी सद 40 एंड बच्चा सद 50। ये नंबर से आप इजीली वर्ड्स लिख सकते हो लाइक दिस। यहाँ पर देखो ये लिखा है 38। अब संस्कृत में कैसे याद रखोगे, 30 के लिए कौन सा वर्ड है, त्रिशंत। ओके, और ये कौन सा नंबर है, 8। अब संस्कृत और इंग्लिश में डिफरेंस क्या है कि जैसे कि 20 यहाँ पे लिखा गया, उसके जो ये 20 है वो 20 पहले लिखा जाता है, उसके बाद वर्ड लिखा जाता है। संस्कृत में थोड़ा डिफरेंस यहाँ पर ये है कि जो फर्स्ट नंबर है यहाँ पर 8 है, 8 को हम पहले लिखेंगे। 8 को क्या कहते हैं, अष्ट। आपको 1 टू 10 याद ही है बराबर, वहां 1 टू 10 याद रखने हैं आपको, 1 टू 20 याद रखने हैं बराबर, अष्ट। और उसके बाद है ये 30। ओके, तो यहां पे लिखेंगे हम त्रिशंत, अष्ट त्रिशंत, अष्ट त्रिशंत इजीली। ओके, एक और नंबर लिखते हैं 25। तो यहां पे फर्स्ट नंबर है पंच बराबर, तो यहां पे लिखेंगे हम पंच, और ये क्या है 20, तो 20 का मतलब होता है विसंधि, तो पंच विसंधि। ओके, पंच विसंधि। एक और नंबर यहां पे लिखता हूं अभी 45 बराबर, ये पांच पंच पंच, और ये क्या है, चतुर्वारी सद। ओके, तो पंच चतुर्वारी सद। तो ये इजीली आप नंबर लिख सकते हो। ओके, मैं यहाँ पे नंबर लिख रहा हूँ पंच। यहाँ पर देखो 15 है, तो यहाँ पे पंच, 10 + 5 बराबर, तो यहाँ पे 5 का मतलब होता है पंच पंच, और ये 10 का मतलब होता है 10। तो हमने इजीली नंबर यहाँ पे संस्कृत में लिख लिया पंच 10। ओके, तो स्टूडेंट इस तरह इजीली आप ये सारे जो नंबर है वो नंबर आप लिख सकते हो। ओके, आगे और एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पर देखो 32, तो ये फर्स्ट नंबर है द्वि बराबर, इसको द्वे कहते हैं, एकम द्वे त्रीणि, तो यहाँ पे द्वे द्वे, यहाँ पे लिखेंगे द्वा द्वा त्रिशंत, द्वा त्रिशंत इज इट, द्वा त्रिशंत। 39 लिखा है, तो यहाँ पे 9 पहले हम लिखेंगे 9 और त्रिशंत 39 सर त्रिशंत, तो 9 त्रिशंत। ओके, 26 लिखा है यहाँ पे शर्ट, तो शर्ट सॉरी शर्ट, और ये 20 है, तो यहाँ पे लिखेंगे विशंति, शर्ट विशंति। ओके, इजीली स्टूडेंट्स आपको कोई भी नंबर दिया जाए आप लिख पाओगे, कह सकते हो ये मुझे बताओगे आप कौन सा नंबर है ये। पहले हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट नंबर है 7, तो 7 मीन्स 7। ओके, सप्त, और नेक्स्ट 30 है, तो त्रिशंत, सप्त त्रिशंत।
ओके। तो स्टूडेंट इजीली आप इस तरह ये 1 to 50 का नंबर्स आपको अगर नंबर्स में दिया गया है, संस्कृत वर्ड्स में लिखना है, तो यही सबसे बेस्ट ट्रिक है आपको, जो कि 1 to 50 याद रखने ही है, लेकिन इस तरह लिखो के आप ट्राई करोगे, नंबर्स कोई भी लिख लो, फिर ट्राई करो, फिर आपका नंबर जो वर्ड्स है वो मैच करके देखो कि सही आपने लिखा है या नहीं। ओके एक्सरसाइज हम आगे देखेंगे स्टूडेंट्स। अभी अभी ये नंबर्स मैं आपको दे रहा हूँ, वो नंबर्स आपको कल से मुझे सॉरी ये वीडियो के बाद आप नोटबुक में वो नंबर मुझे वर्ड्स में लिख कर बताओगे। नहीं, यहाँ पे जो नंबर लिख रहा हूँ वो नोट कर लो आप, इसको वर्ड्स में लिखना है आपको, लेकिन ये आपको याद रखना ही है। ओके तो ये नंबर आप नोटबुक में लिख कर मुझे आप सेंड करोगे। ओके अब ये टेक्स्ट बुक की जो एक्सरसाइजेस है वो एक्सरसाइजेस हम देखेंगे। उससे पहले अब मैंने आपको बताया कि नंबर से वर्ड्स को कैसे लिखा जाता है, वर्ड से नंबर को कैसे लिखना है, वो आप देखिए नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अभी हम देखेंगे नंबर टू वर्ड्स अब कैसे लिखना है हमें। ओके तो यहाँ पे मैं कोई वर्ड्स लिख रहा हूँ, क्या देखा स्टूडेंट, ये त्रिणी, इसे आपको बताइए त्रिणी मीन्स थ्री। ओके तो ये वर्ड्स टू नंबर हमें इसे ऐसे लिखना है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ त्रयोदश, त्रयोदश। अब स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो जो वर्ड्स में लास्ट टू वर्ड्स है आप देखो, लास्ट टू या थ्री वर्ड्स, तो दस, दस मीन्स टेन एंड त्रयो मीन्स थ्री। ओके तो दस का मतलब होता है टेन एंड त्रयो मीन्स थ्री मीन्स थर्टी, त्रयोदश। शर्ट विसर्जी, स्टूडेंट यहाँ पे ड एंड दोनों राइट ही है। ओके शर्ट एंड शर्ट, ओके तो शर्ट विसंती, यहाँ पर हम विसंती मीन्स 20, ओके और यहाँ पर शर्ट, शर्ट मीन्स 6, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 26, इजी नंबर है। नौ चतवारी सत, नौ चतवारी सत स्टूडेंट सर, नौ चतवारी सत, हम जानते हैं चतवारी सत मीन्स 40 एंड एफ नौ मीन्स 9, सो 49, नौ चतवारी सत 49। सप्तविसंधि, सप्तविसंधि, विसंधि मीन्स 20 एंड सप्त मीन्स 7, तो हुआ यहाँ पे 27 मीन्स सप्तविसंधि। स्टूडेंट अष्टादश, दस मीन्स 10 एंड अष्ट मीन्स 8, तो यहाँ पर होगा 18। त्रयोदश, त्रयोदश, दस मीन्स 10 एंड त्रयो मीन्स 3, ये सेकंड टाइम हो गया कोई बात नहीं, त्रयोदश 30। पंच त्रिशंत, तो आप यहाँ पे देखो त्रिशंत, त्रिशंत मीन्स 30 एंड पंच मीन्स 5, तो यहाँ पर होगा 35। तो वर्ड्स को इस नंबर्स में इस तरह हम लिखेंगे बराबर, नंबर्स टू वर्ड्स एंड वर्ड्स टू नंबर आपको दोनों लिखना आना चाहिए। ओके तो स्टूडेंट आप देख सकते हो यहाँ पे जो लास्ट नंबर आप देख लो, विसंति मीन्स 20, ये याद आपको रखना है बराबर, दस मीन्स 10, विसंति मीन्स 20, त्रिशंत मीन्स 30, चतवारी शत मीन्स 40, पचास शत मीन्स 50। आगे यहाँ पे एक नंबर में लिख रहा हूँ एक पचास शत, स्टूडेंट यहाँ पर एक पचास शत, देखो एक पचास शत मीन्स 50 एंड एक पचास शत मीन्स 51। ओके तो इस तरह आप वर्ड्स टू नंबर इजीली आप लिख सकते हो। ओके तो आई होप स्टूडेंट्स आपको नंबर टू वर्ड्स एंड वर्ड्स टू नंबर ये दोनों समझ में आ गया होगा कि किस तरह लिखना है। आपको कुछ भी पूछा जा सकता है नंबर टू वर्ड एंड वर्ड टू नंबर। ओके थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, वॉच द नेक्स्ट वीडियो, टेक्स्ट बुक की हम एक्सरसाइज हम देखेंगे। थैंक्स, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो अभी हम एक्सरसाइज नंबर 1 देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 आपको ये जो वो आपको ये वर्ड्स पढ़ने हैं, प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड्स ओरली, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आपको भी मुझे इसका रिकॉर्ड करके भेजना है। नंबर 1 है धावनंक फलकम,
चतुर्थ क्रीडाया धावनक पचासत न्यूना पठित्वा त्रय त्रिशंत एंड षड त्रिशंत। तो ये एक्सरसाइजेस नंबर वन जो है वो आपको अच्छी तरह रीड करना है बराबर और रीड करके मुझे आप भेजोगे। एक्सरसाइज नंबर टू, यहाँ पर टेबल आपको दिया गया है, ये यहाँ पे नंबर्स और वर्ड्स आपको लिखना है। ओके, कैसे लिखोगे? शिवस्य नेत्राणि, शिवस्य नेत्राणि, शिवस्य नेत्राणि मीन्स आईज ऑफ द लॉर्ड शिवा, भगवान शंकर की कितनी आंखें हैं। ओके, शिवस्य नेत्राणि, नेत्राणि मीन्स आईज, शिवस्य मीन्स ऑफ लॉर्ड शिवा, तो भगवान शंकर की कितनी आंखें हैं? आप जानते हो कितनी आंखें हैं? भगवान शंकर की तीन आंखें हैं, यहाँ पर नंबर में हम लिखेंगे थ्री और यहाँ पे वर्ड्स में लिखेंगे त्रिणी। तो शिवस्य नेत्राणि त्रिणी, ओके, शिवस्य नेत्राणि कति सन्ति, तो शिवस्य नेत्राणि त्रिणी सन्ति, भगवान शिव के कितने नेत्र में साइज कितनी है, तो तीन है त्रिणी। पांडवाः कति सन्ति, पांडवाः, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, किसी को नंबर पूछना है तो कति शब्द का प्रयोग करते हैं हम। ओके, कति, कति मीन्स हाउ मेनी, तो पांडवाः, पांडव कितने थे जानते हो स्टूडेंट्स? आपने महाभारत देखी होगी तो आपको पता होगा, पौराणिक कथा अगर आप देखते हो तो आपको पता होगा, महाभारत में पांडव और कौरव थे, तो पांडवाः कति सन्ति, कितने पांडव थे आप जानते हो? नहीं पता स्टूडेंट्स आपको, एक बार देखना जरूर महाभारत। तो पांडव थे पांच, कितने पांडव थे? पांच, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फाइव एंड पंच, पंच। वेदाः, वेदाः कति सन्ति, हिंदू धर्म में चार वेद है स्टूडेंट्स, हमारे सबसे जो पौराणिक ग्रंथ है वो है चार वेद, अर्थवेद, ऋग्वेद, सामवेद एंड यजुर्वेद। आपने शायद एसएस में भी पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा तो एसएस के टीचर को आप पूछना कि वेद क्या होते हैं। तो चार वेद है पौराणिक कथाओं में बराबर, अर्थवेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड ऋग्वेद। इसमें से सबसे पुराना जो वेद है वो है ऋग्वेद। तो वेद कितने हैं? यहाँ पर चार है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर फोर, तो यहाँ पर चार मीन्स चतुर्वाणी। रावणस्य मस्तकानि, रावणस्य मीन्स रावण के एंड मस्तकानि मीन्स सिर, हाउ मेनी हेड्स ऑफ रावण, रावण के कितने मस्तक थे? रावणस्य मस्तकानि कति सन्ति, कितने रावण के मस्तक थे? रामायण देखी होगी तो पता होगा, अब जानते ही होगे कितने सिर थे रावण के, नहीं पता? दस, रावणस्य मस्तकानि दशाः सन्ति। वासराः, अभी मैंने आपको लास्ट टाइम ही आपको एक्सप्लेन किया था, वासराः मीन्स डेज, वासराः मीन्स डेज, सोमवासरः, मंगलवासरः, बुधवासरः, गुरुवासरः, शुक्रवासरः, शनिवासरः एंड रविवासरः, तो डेज कितने हैं? वासराः, वासराः कति सन्ति, तो वासराः कितने हैं? सप्त, सप्त मीन्स सेवन। नंबर सिक्स, त्रयाणाम ससकानाम कर्णाः, त्रयाणाम मीन्स थ्री एंड ससकानाम मीन्स रैबिट, कर्णाः मीन्स ईयर्स, तीन रैबिट के ईयर्स कितने होते हैं? मैथ्स आपको पता ही होगा, आप कभी कर चुके हो मैथ्स में, तो त्रयाणाम ससकानाम कर्णाः सन्ति, क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस माइनस, क्या करना पड़ेगा? ओके यस स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर एक रैबिट के कितने? दो ईयर्स होते हैं, ऐसे तीन रैबिट है, तो तीन रैबिट के कितने ईयर्स हो गए? बराबर टू प्लस टू प्लस टू इज इक्वल टू सिक्स, तो यहाँ पर होगा नंबर सिक्स, त्रयाणाम ससकानाम कर्णाः मीन्स छः, तो यहाँ पर लिखेंगे षट। एंड पंच श्रृगालानाम पादाः, पंच श्रृगालानाम पादाः, पादाः मीन्स लेग, पादः मीन्स लेग एंड पादः, ये इसका प्लूरल है पादः, इसका प्लूरल पादः, पादः मीन्स वन लेग एंड पादः मीन्स लेग्स। अब यहां पर आपको बोला गया पंच, पहले लिखा है पंच, पंच मीन्स फाइव एंड श्रृगालानाम, श्रृगालानाम मीन्स फॉक्स, सो हाउ मेनी लेग्स ऑफ फाइव फॉक्स, तो पांच श्रृगाल के पांच जो लोमड़ी होती है उसके पैर कितने होगी? ओके, एक लोमड़ी के कितने होते हैं? चार होते हैं, पांच के कितने हो गए? चार मल्टीप्लाई फाइव मीन्स फोर फिफ्थ जार कितने हो गए? ट्वेंटी। ओके, तो यहां पर आंसर है बीस, ट्वेंटी, ट्वेंटी मीन्स विशंति। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर टू आपको इस तरह लिखना है। ओके, तो आप इस तरह ये आंसर्स लिखोगे। वॉच द नेक्स्ट वीडियो फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज, थैंक यू वेरी मच, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो अभी एक्सरसाइज नंबर थ्री एंड फोर हम देखते हैं।
एक्सरसाइज नंबर थ्री, यहाँ पे वर्ड्स है उसको नंबर में आपको लिखना है बराबर। यहाँ पर लिखा है चतुर्दश, मैंने आपको जैसे सिखाया है चतुर्दश, दस मीन्स 10 एंड चतुर मीन्स 4, चतुर्दश मीन्स 14। सप्त विसंति, विसंति मीन्स 20 एंड सप्त मीन्स 7, तो यहाँ पे होगा 27। त्रयस त्रिशंत, त्रयस त्रिशंत, त्रिशंत मीन्स 30 एंड त्रय मीन्स 3, तो 33। अष्ट चतवारी शत, चतवारी शत मीन्स 40 एंड अष्ट मीन्स 8, 48। नवदश, दस मीन्स 10 एंड नव मीन्स 9, सो नवदश मीन्स 19। अष्टात्रिशंत, तो अष्टात्रिशंत, त्रिशंत मीन्स 30 एंड अष्ट मीन्स 8, 38। पंच चतवारी शत, चतवारी शत मीन्स 40 एंड पंच मीन्स 5, तो 45। सप्तदश, दस मीन्स 10 एंड सप्त मीन्स 7, सो 70। तो इस तरह आप लिखोगे। एक्सरसाइज नंबर फोर, यहाँ पर नंबर टू वर्ड्स आपको लिखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर चीजों नंबर है चतुर्दश बराबर, तो यहाँ पर ये नंबर हम पहले लिखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है चतुर्दश, और दूसरा जो है वो बाद में लिखेंगे चतुर्दश। यहाँ पे देखो, अब ये जो फर्स्ट नंबर है पांच, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पंच, और 20 का मतलब होता है विसंधि, तो पंच विसंधि, पंच विसंधि। यहाँ पे फर्स्ट नंबर है षट, और 40 का मतलब होता है चतुर्वारी शत, षट चतुर्वारी शत। यहाँ पे अष्ट, अष्ट का होगा श्रोण अष्टा एंड त्रिशत, त्रिशंत, 30 मीन्स त्रिशंत, अष्टा त्रिशंत एंड चतुर्वारी शत, 40 मतलब चतुर्वारी शत। ओके स्टूडेंट, तो ये सारी एक्सरसाइजेस आपको समझ में आ गई होगी, ये एक्सरसाइजेस आपको नोटबुक में लिखनी है, और सेम एक्सरसाइजेस आपकी वर्कबुक में भी है, तो आप ये खुद फिलअप करोगे वर्कबुक में। वर्कबुक का सॉल्यूशन नेक्स्ट पीरियड में ही मैं आपको दूंगा, अभी होमवर्क में आपको दे रहा हूँ वो होमवर्क भी आपको नोटबुक में करना है। ये लेसन का ट्रांसलेशन भी आपको लर्न करना है स्टूडेंट्स। अब तक जो जितने भी लेसन हुए हैं वो सारे लेसन के ट्रांसलेशन की, अब जब लेसन पूरे होने वाले हैं टर्न बाय टर्न, उसकी एग्जाम भी मैं आपकी लूंगा, तो सभी के ट्रांसलेशन भी रेडी रखिए और वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर्स भी आप तैयार रखना। ओके तो स्टूडेंट्स, ये अभी आज के लिए इतना ही है, आपको ये सारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, नमो नमः, जय हिंद, जय भारत।